केंद्र सरकार देश के कोने कोने में सस्ती दवाइयां पहुंचाने का मेगा प्लान बना रही है। इसके लिए सरकार इस साल के अंत तक 2.5 से 3 हजार जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य तय किया है। देश में फिलहाल 1300 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। सरकार की योजना अगले 2 साल में इन केंद्रों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की है। जन औषधि केंद्र पर जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं। हम आपको बता दें कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले काफी सस्ती होती है। सरकार जन औषधि स्टोर खोलने के नियमों में ढील देने की भी तैयारी कर रही है। मेरे साथ समीर दीक्षित मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। समीर, जन औषधि केंद्र की संख्या फिलहाल जो है वो काफी कम है, आखिर क्या वजह है कि इसकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है? सरकार का प्लान जरूर है कि आने वाले साल में 2.5 से 3 हजार जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जन औषधि केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलना है और उसी पर इसकी सफलता भी निर्भर करती है, और यही वजह है कि सरकार फिलहाल इस संशय में पड़ी हुई है कि जन औषधि केंद्र जो हैं या जो पूरी योजना है इसको सफल कैसे बनाया जाए। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो फिलहाल केवल 1300 जन औषधि केंद्र जो हैं वो देश में मौजूद हैं, जो कि लगभग ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। और यही वजह है कि सरकार ने लक्ष्य ये रखा है कि साल के अंत तक इन जन औषधि केंद्र को जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 हजार तक की संख्या तक पहुंचाना है, और अगले 1.5 से 2 साल में इसको देश के कोने कोने या फिर हर जिले में लेकर जाना है। क्योंकि जब तक केंद्रों की पहुंच लोगों तक नहीं होगी तब तक इसकी सफलता जो है इस योजना की सफलता पूरी नहीं हो पाएगी। तो सरकार का लक्ष्य है कि 2 साल में हर जिले में जन औषधि केंद्र को ले जाना है, और साल के अंत तक ये जो मौजूदा 1300 का केंद्र अभी खुले हैं को लगभग दोगुना करना है। यही नहीं, अगर आप देखें तो जन औषधि केंद्र की या पूरी योजना की जो सफलता है वो इसलिए भी उस पर बट्टा लग रहा है क्योंकि जो फार्मा कंपनीज हैं वो इस तरीके की जेनरिक दवाइयाँ बड़े पैमाने पर नहीं बना रही हैं। वहीं डॉक्टर्स भी जब पेशेंट को दवाइयाँ लिखते हैं या हॉस्पिटल जब दवाइयाँ लिखती हैं तो जेनरिक दवाइयाँ बहुत कम लिखी जाती हैं या फिर ना के बराबर लिखी जाती हैं, और दोनों के ही पीछे मुनाफा एक बड़ी वजह होता है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक तरफ से जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाए, उसको लोगों तक पहुँचाया जाए, दूसरी तरफ डॉक्टर्स हॉस्पिटल या फार्मा कंपनीज पर भी वो दबाव बनाया जाए कि वो जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वो लोगों को लिखें, साथ ही उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सके। तभी जाकर के जो स्वास्थ्य योजना है और जो देश को स्वस्थ बनाने की जो पूरी योजना है वो सही मायने में सफल हो पाएगी। फिलहाल कोशिश यही है कि इन केंद्रों की संख्या को लगातार तेजी से बढ़ाएं और 2 साल में लगभग देश के हर जिले में पहुंचाया जा सके।